देखो बांधने लगी, देखो देखो देखो, चार देखते ही नहीं हो, देखो देखो चल 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 जीवन कैसे हो आप सब? गुड मॉर्निंग, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हैप्पी रक्षाबंधन। और ये देखिए हमारी मेहंदी चढ़ी है, अभी पूरे दिन तक और भी ज़्यादा गहरा हो जाएगा रंग। तो मैं नहा के हो गई हूँ रेडी, अभी बिंदी लगाना है, सिंदूर लगा लिए, बिंदी बाकी है। और आज रक्षाबंधन, आज हम लोग आज ही मना रहे हैं रक्षाबंधन। बहुत से लोग कल मना लिए थे लेकिन हम लोग मुहूर्त नहीं था इसलिए कल नहीं मनाए, तो आज मनाएंगे। बेटी को भी मैंने रेडी कर दिया नहला के, बेटा मेरा अभी नहा रहा है और इसके भैया है किट्टू के भैया, वो आ रहा है अभी। तो मैंने कहा वीडियो स्टार्ट कर देती हूँ, व्लॉग स्टार्ट करती वरना बिजी हो जाऊँगी। राखी का भी मैंने सब तैयारी कर रखा है, हमारी गुड़िया रानी रेडी हो गई है। ये अभी ये हमारा राखी का थाली तैयार, राखी का थाली, इतना सारा राखी कोमल वाला ये है। और तो चॉकलेट खा लिए सब, इतना खाली बचाए हैं, ये उसकी राखी है। मैं हो गई हूँ कंप्लीट रेडी। ये वाला दीवार क्या करना है? मुझे कुछ करना है? कुछ नहीं कुछ नहीं, उसको मछली गिर जाएगा। तो यहाँ पे मैं अपनी बेटी को हेयरबैंड लगा रही हूँ क्योंकि इसे मैं जब भी हेयरबैंड लगाती हूँ ना ये निकाल देती है, इसे अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं इसके बाल में हेयर क्लिप और हेयरबैंड कुछ भी लगा नहीं पाती हूँ। इसे थोड़ी देर के लिए लगाऊंगी तो तब तक सही रहेगा, उसके बाद ये निकाल देती है, इसलिए मुझे ध्यान रखना पड़ता है। तो मैंने इसे पहले से ही लगा रखा था, हमारी इसे निकाल दिया था, तो वही मैं लेने गई थी कि लेके आती हूँ लगा देती हूँ, जब तक राखी बांधी तब तक तू लगा रही है। और यहाँ पे देखिए मैंने दोनों को हैंकी दिया रखने के लिए सिर पे, तो पीहू मांग रही है मुझे दो हैंकी, मैं रखूंगी। हाय बेटा देखो, बच्चों में तो ऐसा ही होता है, मैं इसको बोल रही हूं कि वो आपको नहीं रखना चाहिए, ये भाई को दे दो तब जाके वो दिए। अरे भाई से चल, इस बार तो पीहू मेरी थोड़ी और भी समझदार हो गई है, पिछले बार तो थोड़ी छोटी थी, तो अभी वो खुद से भी जैसे टीका भी कर लेती है और राखी भी देखो खुद से भी बांध रही है। देखो देखो जाना, देखते ही नहीं हो, देखो देखो, अरे वाह, देख लो देख लो, ले बेटा ले, पकड़ पकड़, ऐसे करो ऐसे करो, इधर भी पकड़ो ये भी पकड़ो, मैंने बोला। और यहाँ पे हमारा थोड़ा फोटो भी क्लिक हो रहा था, ये साइड से ले रहे थे इसलिए हमें थोड़ा पोज मारा हुआ था फोटो के लेने के लिए। तो बस यहाँ पे अब ये राखी बांधे की मिठाई खिला रही है। खाने में तो राखी बांधी है, इस बार तो थोड़ी समझदारी हुई है, नेक्स्ट ईयर और भी थोड़ी समझदार हो जाएगी, तब मुझे सिर्फ मतलब मैं साथ में तब बैठूंगी नहीं, मैं जैसे बताऊंगी वैसे करती जाएगी। तो अभी आरती की थाली थी इसलिए मैंने उसका हाथ पकड़ लिया, बच्ची है गिर जाएगी या गिर भी सकता है या लग भी सकता है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सपोर्ट दे रखा था। यहाँ पे मैं मना कर रही थी कि नहीं 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 चाहिए, अभी बच्ची है क्या करेगी पैसे, लेकिन फिर भी वो ज़बरदस्ती दे दिया शगुन के तौर पे। अब आई है ये छोटे भाई की यानी किट्टू भाई की राखी बांधने का नंबर लग गया इसका, तो इसे भी लगा रही है टीका। टीका लगाने के बाद ये देखना अभी इसे भी खुद से ही राखी बांधेगी बेटी मेरी। देखो
भाई को कौन सा बांधेंगे? ये कौन? ये बांध। वीडियो के साथ साथ फ़ोटो भी क्लिक करवा रही थी यहाँ पे, क्योंकि एक साथ दोनों काम हो जाता, मेरा वीडियो भी बन रहा था और साथ में वो फ़ोटो भी क्लिक कर रहे थे, ऐसे एक साथ दोनों काम हो जा रहा वरना फिर बार बार फ़ोटो लेना पड़ता, इसलिए मैंने कहा साथ ही साथ आप फ़ोटो भी क्लिक करते रहो। इतनी सारी राखियाँ थी कि कितने बनाते बताते वो बेचारा थक गया, मेरी बेटी भी बांधते बांधते थक गई थी, क्योंकि पटना से भी राखी आया था कोमल का, फिर नेहा पड़ी तनु मैं मतलब सबका राखी था, 5-6 राखियाँ हो गई थी। नहीं ये बांधेगी, ढेर सारा राखी है सबका है ना, सबने भेजा है। अच्छा वो मेरा है आपका है बेटा, आप लड़की हो आप गर्ल्स हो ना, कोमल का ये कोमल का है। वो तो चंदन उंदन सब साथ में भेजी थी, अब इसको पता नहीं लगा किसमें चॉकलेट है। क्या तो पीयू के बल्ले बल्ले, अच्छा भाई के बल्ले बल्ले, पर भाई बहन को भी खिलाना। खा गए ये लोग निकाल के, देखो ये सारी चॉकलेट की है। देखो पापा दीदी, देखो पापा तुम्हारा टॉफी बचा कुचा सब तो खा गया था बचा, तुम लो एक ही खाया था मैंने। एक ही खाया था इसी रैपर, मेरे को एक ही मिला था ना। अपना बेटा बांधो पापा दीदी का, ले 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 मम्मी तीन राखी क्यों और अभी और है, कोमल दीदी का, नेहा दीदी का, तन्नु दीदी का, सारा बांध देना, परी का, हाँ सारे के भाई बने हैं तो बंधाएगा ही ना, इतनी सारी बहन इनको क्यों नहीं बांध। ए टॉफी क्या ले रही है? मैं बड़ा भाई खिलाना है बेटा, वो खुद के खाने के लिए जुगाड़ कर रही है। चलो बाद में बांधा, पहले इसको ले खा ले, खिला लड्डू खिला लड्डू, आप नहीं इस साइड से, राइट राइट हाँ बेटा इसको नहीं खिला गया है। अच्छा चलो आरती उतारो, आरती आरती ठीक है हाँ, चलो आशीर्वाद दो भाई को। और ये कौन खाएगा? हैं वो पापा खाए, पापा ने भाई पापा बच्चे हैं अभी। हाँ चलो आप चॉकलेट दे। अरे ये लो आशीर्वाद दिया। हाँ एक फोटो लो तो हमारा। हाँ यहाँ देखो पियू, देखो यहाँ अंदर देखो, देखो पापा छटक जाते हैं ना आई नहीं। पापा से कह रहा हूँ बड़े भाई छोटे भाई सबको राखी बंधा दिया। तो ये है हमारे हमारे बड़े बेटे, हमारे जेठ जी के बेटे किट्टू के भैया, इनका भी नाम डिंगू है, ओम प्रकाश नाम है। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ पूजा, क्योंकि मैंने सुबह पूजा नहीं किया था, मुहूर्त का टाइम निकल जाता राखी बांधने का, इसलिए सबसे पहले मैंने राखी का जो मुहूर्त था रक्षाबंधन का जो रस वो मैंने करवा दिया, उसके बाद अभी आई हूँ पूजा करने। तो हमारे लड्डू गोपाल को भी लगा दिया यहाँ पे इनको भोग, और देखो ना मैं लड्डू गोपाल को राखी बांधना भी भूल गई, क्योंकि जल्दी जल्दी इतना हो जाता है ना कि सच में कुछ ना कुछ भूल ही जाते हैं। और डिंगू को भी जाना था, उसे मैंने बोला था कि थोड़ा रुकना, तो पर वो बोला नहीं जाना है उसका काम चालू है। तो यहाँ पे मैं फटाफट से बना ले रही हूँ चाय, सबने मतलब किसी ने चाय नहीं पिया है, सब लोग साथ में चाय पियेंगे, फिर अगर थोड़ी देर भी रुकता तो मैं खाना बना देती, पर वो रुकेगा नहीं, तो आधे घंटे का ही टाइम था मेरे पास, तो आधे घंटे में मैंने कहा कि चलो आलू की भजिया बनाती हूँ। तो आलू को पतले पतले स्लाइसेस में कट करके मैंने उसे हल्का सा बॉईल कर लिया, कट करके ही किया ताकि जल्दी हो जाता और आसान भी रहता, मैंने चढ़ा दिया था चाय चढ़ाने के बाद। और एक तरफ यहाँ पे मैं बेसन को छान ले रही हूँ और जो भी मसाले हैं वो सब डाल वाल के, नमक हल्दी धनिया मिर्ची गरम मसाला, और साथ में ये मैं ऐड कर रही हूँ चावल का आटा, चावल का आटा डालने से ना बहुत ही क्रिस्पी बनता है, और हरी मिर्च डाल दे रही हूँ,
और बहुत ही फटाफट से ये जो है नाश्ता बनके तैयार हो जाता है। पहले तो मुझे लगा कच्चे आलू का बना दूँ, लेकिन उसमें बहुत टाइम लगता, इसलिए मैंने आलू को ही कट करके हल्का सा बॉयल कर दिया। जल्दी जल्दी हो गया और टाइम भी नहीं लगता है भजिया बनाने में, तैसे भी टाइम नहीं लगता है। तो बस यही एक मेरे पास ऑप्शन था जल्दीबाजी में बनाने का। अगर वो थोड़ा भी टाइम देता रुकने का तो मैं खाना बना देती, तो खाना खा के जाता। मैंने उसे फ़ोर्स भी किया, पर वो अब छुट्टी तो ले नहीं सकता है, पर भजिया बना दिया। तो पहले तो चाय पी लिए, चाय के साथ भी नाश्ता दे दिया था, भाकर वरी क्या गाठिया वगैरह, मतलब वही सब स्नैक्स है जो ड्राई स्नैक्स। तो ये फटाफट से बना देती हूँ, साथ में जा रही हूँ देने ग्रीन चटनी और मतलब ग्रीन चिली सॉस और रेड चिली सॉस दोनों। तो यहाँ पे देखो ये दोनों खा रहे हैं, इनको भी टाइम हो गया है ऑफिस जाने का, इनकी भी छुट्टी नहीं है। ऐसे रक्षाबंधन की छुट्टी 30 को थी, आज 31 है अगस्त, लेकिन इनकी तो ना तो 30 की थी ना तो 31 की, दोनों बच्चों की 30 तारीख को छुट्टी था, लेकिन आज दोनों का स्कूल भी चालू है, इनका ऑफिस भी चालू है। तो इसलिए मैंने कहा चलो यहाँ पे गरम गरम बना दे रही हूँ, खा लेते हैं, फिर ये भी चले जाएंगे ऑफिस, ये भी चला जाएगा साथ में डिंगू भी, फिर मैं और मेरे बच्चे बचेंगे। तो यहाँ पे हमारी बातें बातें चल रही है, मैं अभी किचन में भजिया में तली रही हूँ, गैस को थोड़ा स्लो फ्लेम करके मैं यहाँ पे आई हूँ बातें करने। अब इसे जाना भी है और जल्दी जल्दी में ऐसा ही होता है मेरे, जब ये भी होते हैं ना अकेले कुछ भी, जैसे मैं नाश्ता बनाती हूँ तो इनको दे देती हूँ, फिर से अब ये कहते हैं साथ में आओ खाओ, तो फिर किचन में कौन जाएगा बनाने, तो बनाने के बाद ही तो खा सकती हूँ। तो बस यहाँ पे थोड़ी बहुत हमारे बातें चल रही है। वो वीडियो देखा था जो तुम्हारे यहाँ गई थी? चलो ठीक है, खुश रहो, बाय करो, भैया जा रहे हैं, बाय करो। बोलो भाभी को लेके आना। हाँ वो भी बोल रही है। बाय, राधे राधे, आना डिंगू। अभी नींद आई, महारानी जी राखी लेके सो गई। नींद आ रही है, नींद आ रही है निन्नी? चलो वहाँ सो, यहाँ नहीं सोना है, आ जाओ, गिर जाओगे बेटा यहाँ। लोगों को सुलाने की मैं कोशिश कर रही थी, इन लोगों को नींद नहीं आई और अभी जाके सो रहे हैं, अभी 2:30 बज रहे हैं, 2:30 नहीं 3 बजने वाले हैं, 2:45 हो रहे हैं। तो चलो मैं इनको सुला देती हूँ, मैं भी कपड़े चेंज कर लेती हूँ, मेरे को पूरा दिन आज ऐसे निकल नहीं पाएगा। तो मैं पी रही हूँ फ्रेंड्स चाय और देखिए हो गई है शाम। शाम हो गई, 7 बज रहे हैं, आज मैं सो गई बहुत अच्छे तरीके से, सोई बहुत अच्छा लगा मुझे, लेकिन उठने के बाद मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंकि बच्चे दोनों सो गए हैं, जा रही हूँ उठाने और खाली खाली सा लगता है, सबके बच्चे बदमाशी करते हैं तो बहुत गुस्सा आता है और बोलते नहीं हैं, शांत हैं, सो रहे हैं तो अच्छा नहीं लगता है। तो आज रक्षाबंधन है तो मैंने सोचा कि चलो आज कुछ पकवान बना देती हूँ, बच्चों को भी पसंद था, मतलब पूड़ी खाने का, बच्चे पूड़ी तो ज़्यादा खाते हैं और सेवैयाँ खाते हैं, लेकिन मैं सेवई नहीं बना रही क्योंकि सेवई नहीं था। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ खीर और काजू बादाम वगैरह, वो सब ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल रही हूँ। यहाँ पर आलू मैं फ्राई कर ले रही हूँ और खीर मेरी पक चुकी है तो मैं डाल दे रही हूँ चीनी और इलायची भी डाल दिया है। तो यहाँ पे आलू और सोयाबीन की सब्ज़ी बनाऊँगी और मैं सब्ज़ी ऐसे तो खैर देखो मेरे हस्बैंड ऑफिस से खा कर ही आएँगे क्योंकि आज क्लोजिंग डे है, मंथन है, लास्ट डे है, तो उनको आज बहुत लेट होगा रात को आने में, तो वो डिनर वगैरह कर कर ही आएंगे, पर फिर भी यहाँ पे मैं बना ले रही हूँ, उनके लिए भी आएंगे तो अगर मन होगा तो खाएंगे। तो फटाफट से यहाँ पे मेरे खाना बन गया है और मैं जा रही हूँ यहाँ पे अपने प्यारे से लड्डू गोपाल को, उनको भोग लगा देने सबसे पहले, फिर बच्चों को दूँगी और सब्ज़ियाँ भी मेरी यहाँ बन चुकी है। तो आ जाइए बस, आप लोग भी खाने, जा रही हूँ खाने। तो फ्रेंड्स अब चल रहे हैं हम लोग खाने, बच्चे तो खा रहे थे और मैं जा रही खाने, मेरे हस्बैंड आएंगे ऑफिस से लेट नहीं जाएंगे तो उनका ऑफिस में ही खाना हो जाएगा। चलो अब हम लोग जा रहे हैं, अभी हम लोग सोने जा रहे हैं, खाना वाना खा लिए हैं और मेरे किट्टू के ना पैर में लग गई है चोट, वो चल नहीं पा रहा है, पैर में चोट लग गई है, पता नहीं साइकिल से कि कैसे। चलो अब कपड़े चेंज कर देती हूँ।
कपड़े चेंज कर देती हूँ। फ्रेंड्स चलिए सोते हैं, जा रही हूँ बच्चों को भी सुलाने, 11 बज रहे हैं। भाई हस्बैंड लेट आते हैं तो भी वही लेट हो जाता है, ऐसे नहीं कि वो लेट आएंगे तो चलो। आज क्या हुआ ना, दिन में सो गई, उठी हूँ करीब मैं 6:30 बजे, इस वजह से ना आराम से खाना बनाई, किसी को नींद आएगी कि नहीं जल्दी, क्योंकि मैं भी सो गई थी। और बहुत ही अच्छे से हो गया राखी सेलिब्रेशन, सब लोगों ने बहुत ही अच्छे से मनाया, सिर्फ मैं नहीं मना पाई, क्योंकि मैं जिनको राखी बांधती हूँ बाबू भाई को, वो आ नहीं सके, उनकी वाइफ अभी हॉस्पिटल में एडमिट है, कुछ उनको प्रॉब्लम है। तो चलो फिर, आज का व्लॉग कैसा लगा लाइक ज़रूर कर देना, जो भी नए मेरे चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। बाय बाय, हैप्पी रक्षाबंधन वंस अगेन, मेरी मेहंदी देखिए, हैप्पी रक्षाबंधन, बाय बाय बोलो, गुड नाइट, बाय, गुड नाइट।